इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन की इस ऐतिहासिक प्राचीर से मैं आपका मृत्युंजय राव परमार शोध छात्र अंग्रेजी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय सर्वप्रथम युवा ऊर्जा पुंज स्वामी विवेकानंद के श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और सामने जो यह विराट मूर्ति है त्याग और बलिदान के प्रतीक, क्रांतिकारी राजधर की, इनको मैं सच्चा नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय कुलदीप सिंह केड़ी भैया को, मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय सोमनाथ सर को, मैं स्मरण करता हूँ छोटे भाई मनीष सैनी को। आज तमाम लोग तमाम बातें यहाँ पता करके जा रहे हैं। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि 14 अक्टूबर का दिन कोई सामान्य दिन नहीं होने वाला है मेरे भाइयों। 14 अक्टूबर के दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नींद से जाग करके किसी का चेहरा पसंद आ जाए उसके सामने नीली और स्याही और काली स्याही अंकित करके उसको अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या महामंत्री तय करने वाला नहीं है। 14 अक्टूबर के दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सामान्य विद्यार्थी एक संदेश भेजने वाला है कि बस बहुत हो चुकी तुम्हारी तानाशाही, अब तो मान जाओ वरना सामान्य छात्र बगावत पर उतारो है। अभी एक महाशय बता रहे थे कि उनका खून खौलता है जब कैंपस में पुलिस प्रवेश करती है। उनका खून तब नहीं खौला जब बेरोजगारी से पूरे सूबे के जवान जूझ रहे थे और ये सैफ अली के महोत्सव में डूबे हुए थे। आज मृत्युंजय राव परमार अकेले आपके दम पर एक नाम हो गया है जो विरोधी खेमों में भगदड़ मचाने का काम कर रहा है। आज भगदड़ मची हुई है उनके खेमों में, वो परेशान है, अलकान है कि कौन है ये मृत्युंजय राव परमार। जो मुझे जानते हैं बहुत ही अपना मानते हैं और जो नहीं जान पाए हैं लखनऊ दिल्ली और सैफई में बैठे लोग, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामान्य छात्रों के सामने आशा की किरण रूप कर आशा की किरण बन करके पैदा हुआ है आपका मृत्युंजय राव परमार। मृत्युंजय राव परमार वो है जो सहयोग सृजन समानता समन्वय सकारात्मकता के आधार पर कार्य करना जानता है। मृत्युंजय राव परमार वो है जो किसी दल का गुलाम नहीं। मृत्युंजय राव परमार वो है जिसका बल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामान्य छात्रों का बल है। आज तमाम मुद्दों को लेकर के और तमाम लोगों का पूरा एजेंडा ये है, लोग दलाली की बात करते हैं। कल के दिन ही दलाली का पूरा पर्दाफाश हो गया, सबको जानकारी हो गई कि लुका छिपी का खेल खेलने वाला ये तानाशाही विश्वविद्यालय प्रशासन आखिर किसके हाथों बिका हुआ है। ये पोस्टर लगवाते हैं संगठन और उसके अलावा लोग पोस्टर लगवाते हैं, बैनर लगवाते हैं, कुलपति हटाओ और कुलपति भगाओ की मांग करते हैं, किंतु इनकी मांगे कितनी खोखली है इससे ये आप जान चुके होंगे। क्योंकि इनके जो आला अधिकारी हैं, जो इनके रियासतदार और सूबेदार हैं, जो दिल्ली और लखनऊ में बैठे हैं, इनको कोई सरोकार नहीं है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामान्य छात्रों की सामान्य मांगों से। उनको सरोकार इस बात से है, वो परेशानी इस बात से है और एक सामान्य विद्यार्थी के परिवार में फोन करके कहते हैं इस प्रत्याशी को बैठा लीजिए वरना हम सूबे में हार जाएंगे, फूल की लोकसभा सीट हम हार जाएंगे। इनको नहीं पड़ी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामान्य छात्रों की। मेरा जो मुद्दा है, जो एजेंडा है, वो किसी लिखा लिखाया स्क्रिप्टेड मामला नहीं है साहब। मेरा एजेंडा वो है जो 2010 से लगातार एक सामान्य छात्र के रूप में मैंने देखा है और जूझा है उन समस्याओं को। मैं वो हूँ जो आपकी किस्मत का फैसला, आपके हित की बात जाकर के लखनऊ और दिल्ली में दलाली करके नहीं आऊंगा। मैं वो हूँ जो आपके विश्वास के रूप में खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। पिछले साल पिछले कई वर्षों में तमाम वादे और याद दर्शाए गए। पिछले वर्ष किसी छात्र संगीत प्राचीन से एक महानुभ के नाम का दुरुपयोग मैंने नहीं किया है। वो बात कर रहे थे क्या कक्षाएं संचालित होगी, कैंटीन मिलेगी, तमाम प्रश्नों और के उत्तर वो ढूंढ रहे थे। मैं भी एक सामान्य छात्र उसी कोने में खड़ा था और उन प्रश्नों को सुन रहा था। साहब आपके लिए वो प्रश्न ऑप्शनल रह गए, मृत्युंजय राव परमार ने कंपल्सरी बना लिया। वो प्रश्न आपके लिए ऑप्शनल थे, मैंने कंपल्सरी बना लिया और आज खड़ा होता आपके समक्ष।
तमाम बातों को लेकर के। मेरे मुद्दे वो हैं जो ये स्थापित करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। भले ही आज अपनी सरकार से अपनी बातों को रख सके या न रख सके, मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। और मेरी मजबूती आती कहाँ से है? मेरी मजबूती आती है आपसे। सारा कुछ इस जीवन में आपसे लिया उधार, सारा लोहा आप सभी का, मैं तो केवल धार, और ये धार कमजोर पड़ने वाली नहीं है। तो सामान्य छात्रों की मजबूती की लहर है जो आज के दिन से तय कर देगी कि विश्वविद्यालय का भविष्य क्या होने वाला है। बहुत लोग बात करते आए तमाम मुद्दों इरादों की, मैं कहता हूँ क्या छात्र संघ का जो मंच है इसका उपयोग केवल छात्र हितों के लड़ाई लड़ने के लिए होना चाहिए? बेशक लड़ने को होना चाहिए, मैं भी तत्पर हूँ उस लड़ाई को और लड़ता आया है, किंतु यह एक शैक्षणिक संस्थान है। यह सेमिनार कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव की बात कौन करेगा, कौन बात करेगा? जर्नलिस्ट की कौन बात करेगा अकेडमिक मुद्दों के रिविजन की? संविधान के लोगों ने तय किया कि यहाँ पर जो देश में सरकार होगी वो फॉर ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होगी। मैंने यह तय कर लिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब जो नेतृत्व होगा वो ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स और बाय द स्टूडेंट्स होगा। कि मैंने तय कर लिया है, संकल्पित हूँ, प्रतिबद्ध हूँ इस बात को लेकर। पीएचयू की बात करते हैं, वहाँ कुलपति किसका है, सरकार किसकी है? मेरी बहनों के साथ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसकी रखवाली करेगा आपका यह मृत्युंजयराव परमार। मंदिर का पुजारी कौन हो मुझे नहीं मालूम, मंदिर का प्रहरी बनकर के खड़ा रहेगा आपका यह मृत्युंजयराव परमार। संवाद का विषय है कि राजनीतिक दायरे से दूर रखा जाए। मैं एक बात अंत में कहना चाहता हूँ, आप समझो आपके से मैं आपके सहयोग के लिए तत्पर हूँ, हर सर कटिबद्ध हूँ। क्रांतिकारी उत्सव के दौर में आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, अपना अभिवादन सौंपता हूँ और एक विश्वास देकर के जाता हूँ कि अगले अगले यदि मृत्युंजयराव परमार अध्यक्ष चुने जाते हैं, यदि मुझे अवसर मिलता है तो अगले साल वोटिंग का प्रतिशत दोगुना हो जाएगा। मैं यह वादा देकर के जाता हूँ, मैं आपका मृत्युंजयराव परमार।